फिर क्यों रोस रही है? हलवा बन जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए व्लॉग में, शक्ति एंड नीरज व्लॉग्स में। तो वही देखिए, ये मेरी तुलसा जी है। सारे पौधों में मैंने हल्दी डाल दी थी, हल्दी से फंगस वगैरह नहीं लगता है। ये देखिए मेरी तुलसा रानी है और सारे पौधों में मैंने हल्दी डाल दी थी। और भाई आज के व्लॉग में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आज हमने अविका के साथ एक प्रैंक खेला है। हाँ जी, प्रैंक खेला है और देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा। आई एम श्योर बहुत मज़ा आने वाला है आज का व्लॉग। फुल वॉच करना, जो नए हैं चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अविका आज पता है स्कूल से आई और हमने उसके साथ एक प्रैंक किया और वो प्रैंक आपको ज़रूर देखना है और ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना है। आते ही वो फ्रिज खोलने के लिए गई। देखिए मैं अभी आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। फ्रिज खोलने के लिए गई और उसको केक उसमें नहीं मिला। भाई हमने केक का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। तो चलिए आप देखिए, खुद ही देखिए। हलवा बना लेंगे। इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि लाइट है नहीं, इन्वर्टर खराब है, वो खराब हो जाएगा। इसलिए मैं, मेरे पास एक मिनट और सुनो, और सुनो, आप ही सुनो, प्लीज 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 सुनिए। मुझे पता है, मैं देख काजू लाया, बादाम लाया, किशमिश लाया, अब हलवा बना लेंगे बेसन में। यहाँ तेरा केक है क्योंकि एक होता है उसमें खराब हो जाता है, फिर फायदा केक का डोस अब सही बना पहला है। बता कुछ भी, फिर क्यों रोस रही? हलवा बन जाएगा। बन जाएगा बेसन का हलवा चलेगा, उसमें काजू डालेंगे, बादाम डालेगा। एक मिनट प्लीज। और सबसे बढ़िया तेरे छोले भटूरे का आटा मैंने भिगा दिया, छोले भटूरे का छक्का छक्का बता। छोले भटूरे खाना, एक केक के ऊपर बस वापिस दे दिया था मैंने। ये फ्रिज चेक कर चुके हो बट ना, फिर ना हम भी कर रहे हैं। अब जाएगी, अब जाएगी, अब जाएगी, अब जाएगी। पीछे पीछे ऐसे ने देखा नहीं। घुसगी हुई कितने पाउंड का है बताइयो? 4 पाउंड का केक है मेरे बेटे का। ये सारा 4 पाउंड का तू भी नहीं है। तो चलिए भैया अब काटते हैं अपनी बेटी का केक। केक देखिए, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही मेल्ट हो गया था। लाइट की बहुत समस्या थी उस दिन। उस दिन ये एसी के आगे गाड़ी में रख के तो लेके आए थे बट घर पे लाइट नहीं थी, तो इस कारण से ना मैंने फ्रीजर में ही रख दिया था इसको। और भाई देखिए, फिर शाम को काटना था केक, क्यों थोड़ा ये मेल्ट हो गया था। और अविका को भी सच में जच गया था, बिल्कुल यकीन हो गया। फाइनली अभी का कुछ है। आज उसके साथ बहुत अच्छा प्रैंक हुआ। तो ये अब सारे के सारे मिलके बेटी का केक कटवा रहे हैं और अभी का बहुत खुश है, खुश हो गई थी बेचारी जब उसने केक देखा ना, तो वो बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे मैडम। पहले मंदिर का निकाल दियो जी। Oh, oh, oh.
मेरा। देखिए बर्थडे गर्ल ठूस ठूस के खाना खाने पर लगे हुए हैं। मैंने स्पेशल बोल दिया था वहां भाई कौन से जगह ये कोई केक वेक सबने खा लिया था। उसके बाद में आगे थी किचन में मैंने छोले आंवला डालकर बॉईल कर लिए थे, उसमें मैंने दो आलू भी डाले थे ताकि मेरी ग्रेवी बहुत अच्छी हो जाए। और ये देखिए छोले मसाला दिया है मैंने, और इसमें देखिए मैंने प्याज टमाटर लहसुन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। और ये छोले एकदम यूनिक छोले हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, छोटूरे के साथ खाते हैं जब इन्हें। और देखिए मंगलवार था क्योंकि मैंने देखिए सिंपल जीरा डाला है, छोले मसाला डाला है, और क्या कहते हैं आंवले में मैंने उबाले थे। और ये देखिए कटी हुई खा ली है, मैंने छौंक में डाली थी और कुछ नहीं डालना है। हमारे छोले आप खा के देखना, और थोड़ी सी दो चुटकी हींग भी डाली है जो हमारे छोलों को दो गुना स्वादिष्ट बना देती है।
और वही देखिए फिर मैंने छोंक तड़का वगैरह जो भी आप कहें मैंने लगा दिया है। और छोले मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, भटूरे के साथ खाने वाले छोले बिल्कुल रेडी हैं। और अब करते हैं तेल मैंने चढ़ा दिया है। और देखिए आटा मैंने ना 3 बजे के करीब भिगोया था और 4-5 घंटे ये भीगा रहा था। और इसमें मैंने थोड़ी सी सूजी भी डाली है ताकि थोड़ा सा क्रंचीनेस आए हमारे भटूरे में और वो सॉफ्ट भी बने। और देखिए फिर मैंने डाल दिया है अपना भटूरा कढ़ाई में और देखिए हमारा भटूरा फूल चुका है। और देख अब खाएंगे हम भाई डिनर की तैयारी। डिनर में हमने छोले भटूरे ही बनाए थे और भाई मैंने डाइजेस्टिंग के लिए ताकि किसी को नुकसान ना दे, एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने इसमें अजवाइन डाली थी। और देखिए भटूरे रेडी करने लग रहे हैं और करेंगे फिर अपना डिनर। और भाई आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताना। देखिए तब तक हम करते हैं अपने भटूरे रेडी, अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में। तो भाई बनाने लग रहे हैं हमारे भटूरे और मम्मी जी अभी सबको डाल के देंगी। मैंने कहा था मम्मी जी 2-4 बन जाएँ फिर आप डाल देना। और भाई आज जब हमने प्रैंक किया मुझे तो सच में यकीन ही नहीं हुआ था कि अविका को सच में यकीन हो गया था कि उसका केक वाकई में नहीं आया है, क्योंकि उसने फ्रीजर तो देखा ही नहीं था। भाई फ्रीजर में ही आखिर मैंने केक रखा था और उसे सच में यकीन हो गया था कि मम्मी सच में ही केक नहीं लेके आए पापा। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई अविका का बर्थडे हो और केक ना आए। तो भाई आज के व्लॉग को ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। वही अब हम करते हैं, मैं भी करती हूँ, मैंने भी अपना डाल लिया, सब ने खा ली थी, बस मैं ही बाकी हूँ। थोड़ा सा मैंने आधा घंटा रेस्ट किया था उसके बाद मैं खाने लग रही हूँ। तो भाई आज का ब्लॉग मैं यही पैन करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब करना, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और पूरा फुल वॉच कीजिए, वॉच आवर्स भी जल्दी जल्दी पूरे कीजिए, होने वाले हैं, बस थोड़ा सा साथ दीजिए। तो भाई देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, शुभ रात्रि, थैंक्स अ लॉट।